नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों को कलरफुल की खेती के लिए आधा खर्च देगी सरकार। बिहार के नेशनल हाईवे परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए इतने रुपए। भूमि सर्वे में लगेंगे ये दस्तावेज। बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन का सत्यापन करवाना हुआ अनिवार्य। देश में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मिलते ही केंद्र ने सभी राज्यों को एडवाइजरी की जारी। सौरभ गांगुली ने की ऋषभ पंत के टेस्ट करियर की तारीफ। छोटे प्रारूपों में सुधार की दी सलाह। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी ने सेलर्स के पदों पर निकाली भर्ती। 12वीं पास करे आवेदन। इंडियन नेवी ने सेलर्स के पदों पर SSR मेडिकल असिस्टेंट भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एकदम निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को साइंस से 12वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 17 से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। मुंबई में होने वाले बिजनेस समिट में शामिल होंगे सीएम नीतीश। मुंबई में 13 सितंबर को बिजनेस समिट का आयोजन होने वाला है। सीएम नीतीश इसमें शामिल होने के लिए मुंबई जाएंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात देश के कई बड़े उद्योगपतियों से हो सकती है। मुलाकात के दौरान वे प्रदेश में निवेश के लिए उन्हें न्योता भी देंगे। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के जरिए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, बिहार में बड़े उद्योग लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में पटना में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था। इस दौरान 52,000 करोड़ के निवेश पर MOU हुआ था। अब इस पर काम शुरू हो चुका है और इसमें 36,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुल गया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पटना के बारे में। पटना बिहार का एक जिला होने के साथ ही प्रदेश की राजधानी भी है। ये शहर बिहार में गंगा किनारे बसा हुआ है। इस जिले में आपको पर्यटन के लिए कई ऐतिहासिक से लेकर धार्मिक स्थल और कई मनोरंजन की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जहां आप भ्रमण के लिए जा सकते हैं। इस जिले में आपको सभ्यता द्वार, तारामंडल, अगम कुआं, कुम्हरार, तख्त श्री हरमिंदर साहिब, पटना महावीर मंदिर, गांधी मैदान, गोलघर, गांधी संग्रहालय, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना संग्रहालय, तारा घर, खुदा बख्श लाइब्रेरी, सदाकत आश्रम, संजय गांधी जैविक उद्यान, दरभंगा हाउस जैसी कई जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। बिहार के नेशनल हाईवे परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए इतने रुपए। केंद्र सरकार ने बिहार के नेशनल हाईवे परियोजना के लिए 26,710 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार की तरफ से मिली इस राशि से वित्तीय वर्ष में एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड और पुल की बड़ी परियोजनाओं को तैयार किया जाएगा, जिसके तहत अनीसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसका निर्माण 17 किलोमीटर में किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इन पैसों से प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। अब पशुपालकों के घर जाकर वेटनरी डॉक्टर पशुओं का करेंगे इलाज। बिहार सरकार ने जानवरों का घर जाकर इलाज करने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 3,35,00,000 से अधिक जानवरों का इलाज घर बैठे ही किया जा सकेगा। इसके लिए 1,100 वेटनरी डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है और 534 प्रखंडों के लिए मोबाइल वैन मुहैया करवाई गई है। इलाज मुफ्त होगा, दवाइयां भी मुफ्त में दी जाएंगी। पशुपालक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक कॉल सेंटर 1962 या किसान पशुपालक ऐप के जरिए डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। 227 प्रखंडों में विशेष रूप से मोबाइल वैन खरीदी गई है। नील गायों की नसबंदी पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन का सत्यापन करवाना हुआ अनिवार्य। बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन का सत्यापन किया जाएगा। अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को शिक्षा विभाग ने आगाह किया है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने वेतन सत्यापन नहीं किया है, वे जल्द ही करवा लें, वरना वेतन पर रोक भी लगा दी जाएगी। अभी तक कितने शिक्षकों और कर्मचारियों ने वेतन सत्यापन करवाया है, इसकी जानकारी विश्वविद्यालयों से 15 सितंबर तक मांगी गई है।
कट गया है राशन कार्ड से नाम तो दोबारा जुड़वाना है आसान। केंद्र और राज्य सरकार की गरीबों की सहायता और उनके भोजन के लिए मुफ्त भोजन योजना चला रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड से नाम जुड़वाना जरूरी है। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका राशन कार्ड से नाम किसी कारण से हटा दिया गया है। यदि आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है तो इसे पुनः जुड़वाना आसान है। ऐसा होने पर सबसे पहले आपको खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in पर जाना होगा। यहां राशन कार्ड विकल्प पर क्लिक करना होगा और अपने राज्य, जिला, ब्लॉक या पंचायत का चयन करना होगा। फिर राशन की दुकान, दुकानदार का नाम और राशन कार्ड का प्रकार चुनना होगा। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर नाम जोड़ने का फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका नाम राशन कार्ड से जुड़ जाएगा। भूमि सर्वे में लगेंगे ये दस्तावेज। बिहार में भू सर्वेक्षण को लेकर कई लोग काफी परेशान हैं और उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जमीन के कागजातों को लेकर वे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इसी बीच कई लोगों के बीच कई तरह की भ्रामक खबरें भी फैल रही हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने नोटिस जारी कर सब कुछ स्पष्ट किया है। बिहार सरकार ने कहा है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि कोई दूसरे राज्य या शहर में रह रहा है तो वो सर्वे का काम ऑनलाइन करवा सकता है। इसके अलावा भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर पूरी प्रक्रिया समझी जा सकती है। वहीं जरूरी दस्तावेजों में स्वघोषणा का प्रपत्र 2 चाहिए, खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अंचल के शिविर में देंगे या वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। राजस्व रसीद की छाया प्रति, यदि क्रय बदालेन या दान की भूमि है तो दस्तावेज की छाया प्रति, बंदोबस्त भूमि या भू दान प्रमाण पत्र, वास गीत पर्चा की छाया प्रति, जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देना है, वंशावली नहीं। देश में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मिलते ही केंद्र ने सभी राज्यों को एडवाइजरी की जारी। देश में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है। मामले के सामने आते ही केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र के जरिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के साथ ही संदिग्ध मरीजों की जाँच और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स पर चिंता जताई है, इसलिए इस पर सख्ती बरतने और इससे निपटने के लिए सभी उपायों को करने की जरूरत है। शिवदीप लांडे के सीमांचल में पोस्टिंग से खुश हुए लोग, वायरल हो रहा है ये वीडियो। अभी हाल में आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे की पोस्टिंग सीमांचल में हुई है ताकि इस क्षेत्र में हो रहे अपराध पर नकेल कसा जा सके। शिवदीप लांडे अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। सीमांचल में इनके पोस्टिंग के बाद अब एक ई रिक्शा चालक का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो रिक्शा चालक अपने यात्री को शिवदीप लांडे की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को शिवदीप लांडे ने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में चालक कह रहा है कि शिवदीप लांडे जब 15 साल पहले कटिहार में एसपी थे तो गुंडागर्दी पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अपराधी उनके नाम से कांपते थे और इलाके में शांति का माहौल था। किसानों को फल और फूल की खेती के लिए आधा खर्च देगी सरकार। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत अब किसानों को फल और फूल की खेती के लिए आधा खर्च सरकार द्वारा दिया जाएगा। यदि आप पपीते की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक खास अवसर है। आप 70% अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना बागवानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इसका लाभ आप अपनी थोड़ी सी जमीन पर भी उठा सकते हैं। जमीन नहीं होने की स्थिति में आप जमीन लीज पर लेकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। बता दें कि योजना के तहत आपको कम से कम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ तक के लिए लाभ मिलेगा। इसके अलावा 23 जिलों में केला की खेतों का अभी विस्तार किया जाएगा और फूल की खेती के लिए 70% अनुदान प्रदान किया जाएगा। बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए तय मानकों पर खरे नहीं उतरे निजी कॉलेज। बीएड पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए तय मानकों पर खरे नहीं उतरे निजी कॉलेज। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम अगले शैक्षणिक सत्र 2025-29 से शुरू होने वाला है, लेकिन इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए प्रदेश के सभी 337 निजी बीएड कॉलेज खरे नहीं उतर पाए हैं। यहां तक कि इन संस्थानों के पास संसाधन तक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए इन संस्थानों में 37,450 सीटें हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक पर ये सभी संस्थान खरे नहीं उतर पा रहे हैं। नए बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए एनसीटीई ने आवेदन भी मांगा था,
लेकिन निजी कॉलेजों ने आवेदन नहीं किया क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं थे। इसे देखते हुए एनसीटी ने इन कॉलेजों की जांच करने के निर्देश दिए थे। अब इन बीएड कॉलेजों की जांच की जा रही है कि बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए जो मानक लागू हुए हैं और ये निजी संस्थान पूरा करते हैं या नहीं। पटना गया डोभी एनएच निर्माण मामले में अदालत में पेश हुई रिपोर्ट। पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की है। इस दौरान एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रगति रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि पटना गया डोभी एनएच 30 सितंबर 2024 तक सभी लेन चालू हो जाएंगे। इसके अलावा रेलवे ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर के ऊपर के भी 2 लेन वाहनों के यातायात शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के विद्युत विभाग संबंधित जिला प्रशासक और एनएच के आरओ को एक बैठक करने का निर्देश देते हुए एनएच के निर्माण में हाई टेंशन वायर और अन्य कारणों से आ रही बाधाओं के समाधान शीघ्र निकालने के निर्देश दिए थे। साथ ही इस काम की समय सीमा भी बताने को कहा था। फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से पहले इन बातों का रखें ध्यान। फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन, टीवी या फ्रिज जैसे आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भारी छूट मिलती है, जिससे क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है, वरना बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करना आप पर भारी भी पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले रीपेमेंट साइकिल का ध्यान रखें। भारी खरीदारी से पहले सुनिश्चित करें कि आप ईएमआई को समय पर चुका सकते हैं या नहीं, वरना कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और भविष्य में कर्ज लेना मुश्किल हो सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान ना करने पर ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, जिससे आपकी दूसरी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। अंत में सिर्फ डिस्काउंट के लालच में खरीदारी करने से बचें, केवल वही सामान खरीदें जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। नालंदा में 121 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होने की आशंका, शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। बिहार के नालंदा जिले में 121 स्कूलों की मान्यता रद्द होने की आशंका है। बता दें कि नालंदा ने कुल 639 निजी विद्यालय हैं, जिसमें 121 स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर किसी भी छात्र की एंट्री नहीं की है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को नोटिस भेजा है और समय निर्धारित किया है। अगर समय सीमा के अंदर डेटा एंट्री नहीं की जाती है तो इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा निदेशालय को भेजी जा सकती है। आपको बता दें कि अब तक केवल 35% बच्चों की ही एंट्री की गई है, जबकि 65% डेटा अभी भी पेंडिंग है। प्रदेश में इन जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की है संभावना। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भागों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावनाओं के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बीजेपी दफ्तर के सामने संविदा कर्मी एएनएम ने किया प्रदर्शन। राज्य भर से सैकड़ों की तादाद में पटना पहुंचे संविदा कर्मी एएनएम ने स्वास्थ्य विभाग की नीतियों के खिलाफ वीरचंद पटेल पथ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे सभी ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में काम करती हैं, जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। उन लोगों के लिए फेस अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है, वहीं सरकारी एएनएम और अस्पताल के अन्य कर्मी के लिए ये लागू नहीं है। उन लोगों को काम से ज़्यादा वेतन भी मिलते हैं और हमें काम के मुताबिक वेतन नहीं मिल पाता है। इस दौरान उन्होंने मांग की कि फेस अटेंडेंस सिस्टम खत्म की जाए और समान काम के बदले समान वेतन दिए जाए। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम नीतीश ने अनंत सिंह से की मुलाकात। बीते दिन सीएम नीतीश ने पटना के बेलछी प्रखंड में 100 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान लदवा गांव में पूर्व विधायक अनंत सिंह से भी मुलाकात की। ये मुलाकात किस मुद्दे को लेकर थी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। दोनों की मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली है। इस दौरान मुंगेर सांसद ललन सिंह भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश मोकामा पहुंचे। यहां उन्होंने ओंटा सिमरिया गंगा 6 लेन पुल, गंगा परियोजना और डबल ट्रैक मेगा रेल ब्रिज का निरीक्षण किया। उसके बाद मरांची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का उद्घाटन करने के बाद वे हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना हो गए।
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन दो नेताओं पर लिया सख्त एक्शन। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कमल देव नारायण शुक्ला को दल विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा अरुण पाठक को भी इंटरनेट मीडिया पर दल विरोधी गतिविधियों के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब उन्हें 1 सप्ताह में जवाब देना होगा, नहीं तो उन्हें भी 6 वर्षों के लिए निलंबित किया जा सकता है। पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने इस फैसले की पुष्टि की है। वहीं झारखंड चुनाव में कांग्रेस की ड्यूटी के लिए पूर्व विधायक पूनम पासवान और डॉक्टर शकील अहमद खान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। कभी भी हो सकता है बिहार मंत्रिमंडल में विस्तार। बिहार मंत्रिमंडल में कभी भी विस्तार होने की चर्चा तेज हो गई है। इसे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी किया जा सकता है, सब कुछ तैयार है, किसी भी समय कैबिनेट विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल का ये बयान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात के बाद आया है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मीटिंग हुई थी। सौरभ गांगुली ने की ऋषभ पंत के टेस्ट करियर की तारीफ, छोटे प्रारूपों में सुधार की दी सलाह। भारत के पूर्व क्रिकेटर कप्तान सौरभ गांगुली ने ऋषभ पंत के बारे में कहा है कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सर्वकालिक महान खिलाड़ी बनने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि छोटे प्रारूपों में पंत को अपने खेल में सुधार की आवश्यकता है। बता दें कि पंत ने दिसंबर 2022 की जानलेवा कार दुर्घटना के बाद पहली बार टेस्ट टीम में जगह बनाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो 19 सितंबर से चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद शमी की जगह टीम में यश दयाल और आकाशदीप को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दो प्रमुख तेज गेंदबाज होंगे। गांगुली ने इस पर कहा है कि मुझे पता है कि मोहम्मद शमी चोट के कारण टीम में नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1966 में संसद ने पंजाब और हरियाणा के गठन की मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 1976 में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का लाहौर से अपहरण हुआ था। आज के दिन वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत भारत सहित 3 देशों द्वारा संधि का विरोध किया गया था। आज के दिन वर्ष 1872 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजी का जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे फ्री आटा चक्की के बारे में। कई लोगों के पास फर्जी योजना से संबंधित मैसेज आ रहे हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही योजना वायरल हो रही जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा फ्री आटा चक्की योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क सोलर आटा चक्की मशीन दी जाएगी, लेकिन सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है, इसलिए इस तरह के फर्जी खबरों पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। पासपोर्ट बनवाने को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। पासपोर्ट बनवाने के दौरान सतर्क रहना जरूरी है। हाल ही में भारत में पासपोर्ट सेवा पोर्टल के मेंटेनेंस के चलते कई फेक साइट्स सामने आए हैं जो पासपोर्ट बनाने के नाम पर मोटे पैसे मांग रहे थे। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने इस फेक साइट्स से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ये साइट्स न केवल अधिक पैसे लेती है बल्कि आपकी पर्सनल जानकारी भी चुराती है, जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और सभी आवश्यक जानकारी सही तरीके से भरनी होती है। पासपोर्ट अप्रूव होने के बाद सीधे आपके घर पर इसे भेजा जाता है, इसलिए फेक साइट से बचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। बिहार में सर्वेक्षण कार्य में अमीरों की भूमिका। बिहार में इन दिनों सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। इस सर्वेक्षण में अमीरों की भूमिका भी काफी अहम है। ये भू खंडों की मापी और माप के अनुसार नक्शा बनाने में तकनीकी रूप से दक्ष और सर्वेक्षण व बंदोबस्ती काम के लिए सरकारी कर्मचारी होते हैं। भू सर्वेक्षण की घोषणा के बाद ये राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ऐसे में इस कार्य में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हम प्रतिदिन आपसे 5 जरूरी सवाल पूछेंगे और जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यारे स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है कैथल। इसका सही उत्तर है जोधपुर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आईटी और आईटीएस हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है जापान,
ऑप्शन डी है वियतनाम, इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की थी, ऑप्शन ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी है गंगा शरण सिन्हा, ऑप्शन सी है रामानंद मिश्रा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अभी बिहार में 38 जिले हैं, झारखंड की स्थापना से पहले बिहार में कितने जिले थे, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 50, इसका सही उत्तर है 52। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है मोतीलाल कुमार, भरत प्रसाद, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, राजीव कुमार, संजीव कुमार, बिरजू कुमार, मथुरा ठाकुर, नुन्नू गोलू कुमार, सानिया प्रवीण, कृष्णा कुमार, पवन सिंह, सादुल्ला पालवी, अनवर करीम खान। के साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण का काम सुचारू रूप से चल रहा है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।